हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग सही होंगे। तो इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा किस तरीके से आप एक्सेल में बिल बनाना सीख सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट नेम दिया गया है, इसकी क्वांटिटी और पर प्राइस यानी कि एक कंप्यूटर की प्राइस कितनी है यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें टोटल इसका निकालेंगे, इसमें हमें कितनी परसेंट डिस्काउंट काटना है और टैक्स किस तरीके से इसमें काटते हैं और इसकी नेट प्राइस इसकी कैसे हमें निकालना है। तो इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि थोड़ा कॉन्फिडेंट बढ़े और मैं आपको और भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर वीडियो बोल के नहीं बनाता हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। तो सबसे पहले हमें टोटल प्राइस निकालने के लिए सबसे पहले हमें इक्वल के निशान लगाएंगे, उसके बाद क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे और फिर हमें मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे और पर प्राइस पे हमें क्लिक करके इसे एंटर प्रेस करेंगे। तो ये हमारा जो टोटल प्राइस है ये यहाँ पे आ गया है। अब हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो इन सभी का टोटल प्राइस यहाँ पर आ गया है। तो इस तरीके से हमें इसे यहाँ पर डिस्काउंट काटना है, तो इक्वल के निशान लगाएंगे। अब हमारा जो टोटल प्राइस है इसे हमें क्लिक करना है और इसे हमें मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई का निशान लगाने के बाद अब हमें कितने परसेंट यहाँ पे डिस्काउंट देना है। तो यहाँ पे 20% यहाँ पे शो किया गया है, तो मैं यहाँ पे 20 लिखूँगा। उसके बाद अब हमें जो परसेंटेज का जो निशान होता है उसे हमें यहाँ पर शो करके इसे एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 20% यहाँ पे डिस्काउंट काट के आ गया है। तो इसी तरीके से अब हम यहाँ पे टैक्स काटना निकालेंगे, यानी कि टैक्स किस तरीके से इसमें काटेंगे इसके बारे में जानते हैं। तो हमें इक्वल के निशान लगाना है और फिर से हमें टोटल प्राइस पे क्लिक करना है और हमें मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर हम यहाँ पर कितने परसेंट टैक्स काटेंगे उतने हमें यहाँ पर टाइप करना है। तो यहाँ पे मैं 10% काटूँगा तो यहाँ पे 10 लिख देता हूँ। उसके बाद अब हमें यहाँ पे परसेंटेज के निशान लगा के इसको एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टैक्स कट के आ चुका है। तो इसी तरीके से अब हमें नेट प्राइस निकालना है, तो हमें नेट प्राइस निकालने के लिए इक्वल के निशान लगाएंगे। अब हमें यहाँ पर टोटल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद हमें माइनस करना है। माइनस किस से करेंगे, डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा माइनस में ही काटा जाता है। उसके बाद प्लस, अब प्लस कर देना है हमें टैक्स से और हमें इसे एंटर प्रेस करेंगे। तो आप इसे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है, तो इसे जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसकी प्राइस आ गया, नेट प्राइस क्या है ये यहाँ निकल के आ गया है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी तरीके से आप एक्सेल में बिल बना सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।